नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन का पार्ट 3 देखते हैं। अगर आपको पूरी क्वेश्चन देखनी है तो मैंने वो पहले से ही अपलोड करके रखी है, तो आप वो भी मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम उसका पार्ट 3 देखेंगे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होती क्या है, और उसके बाद हम उसका कैलकुलेशन देखेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में प्राइम कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो देखी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो उसी का एक्सटेंशन है। तो हमारे जो भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं फैक्ट्री में, उसको अगर हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो हमें जो मिलता है उसे हम फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, एडिंग ऑल इनडायरेक्ट फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस टू द प्राइम कॉस्ट विल गिव यू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो अभी हम उसका एग्जांपल देखते हैं। तो जो लास्ट वीडियो में हमने प्राइम कॉस्ट 78,700 निकाली थी, उसमें हम जो भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होंगे जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, वो हम ऐड करते जाएंगे। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट ऑन मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहॉलिंग, और भी अगर कुछ फैक्ट्री के आपको इंश्योरेंस या वगैरह खर्चा आपको लगते हैं तो वो आप इसमें ऐड करते जाइए। ठीक है, और आखिर में जो भी स्क्रैप आपको अगर बचता है आपके प्रोडक्शन में तो उसको लेस कर दीजिए। ठीक है, तो इन सब का जो जोड़ होगा वो आपको देगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे ग्रॉस वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। तो ऊपर मेरे फॉर्मूला बार में देखिए, मैंने यहाँ पर प्राइम कॉस्ट में सारे एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दिए हैं, और आखिर में मैंने लेस किया है जो सेल ऑफ स्क्रैप होता है। ठीक है, स्क्रैप जो होता है वो प्रोडक्शन के बाद में जो बचता है हम उसे स्क्रैप कहते हैं। ठीक है, तो वो लेस करने के बाद जो भी हमारा समेशन आएगा उसे हम कहेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।